त्रेसठ जन्मों में जब अच्छे कर्म किए हैं, अच्छा संग किया है, तो अवस्था न चाहते हुए भी अच्छी हो जाती है, और तेसर जन्मों में जब बुरे बुरे कर्म किए हैं, कुसंग किया है, वो रील जब घूमती है तो कितना भी हम कोशिश करें, कितना भी पुरुषार्थ करें, लेकिन अवस्था अच्छी नहीं बनती, चाह के भी नहीं बनती है। अब दृढ़ता से लगातार पुरुषार्थ करते रहे कि सदा एक जैसी अवस्था कभी किसी की रहती नहीं, सदा एक सा समय किसी का सुना और नहीं देखा है, क्या कोई 84 जन्मों में लगातार दुखी ही दुखी रहे? ऐसे हो नहीं सकता। हर एक आत्मा सुख भी लेती है और दुख भी लेती है, लेकिन शूटिंग यहां करती है संगम युग में। कोई 82 जन्म भी सुख लेती है, तो ऐसी 82-83 जन्म सुख में रहने वाली आत्मा ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करती है? कहेंगे जरूर श्रीमत के अनुकूल पुरुषार्थ करती है, श्रीमत को पहचानती है, श्रीमत प्राप्त करने के लिए उन्होंने बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया है, शुरू से बाप की श्रीमत ही बाप की पढ़ाई है, श्रीमत के महत्व को जानती है, इसलिए श्रीमत के बरखिलाफ एक भी कदम नहीं उठाती, तो सुखदाई बन जाती है। जो श्रीमत के बरखिलाफ कदम उठाते रहते, जानबूझ करके उल्टा कदम उठाते, कहने पर भी नहीं मानते, उन्हें बता दिया जाए मुरली में बाबा ने ऐसे बोला है, अरे बाबा तो मुरली में सब कुछ बोलते रहते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, तो दुख की शूटिंग करेंगे अपनी जिंदगी में या सुख की शूटिंग करेंगे? ये भी अलबेलापन दिखाते हैं। जब विनाश का नगाड़ा बजेगा तो अलबेलापन सबका भागने लगेगा। अभी अभी श्रीमत के बरखिलाफ कर्म किया और अभी अभी उसकी सजा मिलेगी, कुदरती। सब अलर्ट हो जाएंगे।